एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? सो आज का मेकअप एंड हेयर स्टाइल आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके सबसे पहले ये बताइए। सो आज मैंने कुछ न्यू ट्राई किया, मैंने आपसे आज शेयर किया है वालिमा हेयर स्टाइल, जो कि मोस्टली मुस्लिम ब्राइड करवाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिम्पिंग अच्छे से कर देना है आपको क्राउन वाले एरिया में एंड ईयर टू ईयर वाले एरिया में, ठीक है। तो क्रिम्पर के लिए मैं कौन सा यूज़ करती हूँ आपको पता ही है कि मैं आइकॉनिक का टाइटेनियम क्रिम्पर यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड नेचुरल इससे क्रिम्पिंग लगता है, कोई फेक क्रिम्पिंग नज़र नहीं आती है। सो अच्छे से हमें क्रिम्पिंग कर लेना है। नेक्स्ट हमें पीछे फ्रंट में आना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मिडिल पार्टीशन, कोई भी हेयर स्टाइल करते हो मिडिल पार्टीशन करोगे एंड इस तरह से फ्रंट वाला पोर्शन को डिवाइड करोगे। नेक्स्ट आपको पीछे से आज पफ बनाना है, मतलब मैं पीछे से बैक पफ दूंगी। तो आपको क्या करना है, फ्रंट के हेयर को डिवाइड करके सेक्शन क्लिप लगा देना है, जैसे मैंने निकाले है। एंड आपको क्या करना है, अब एक डी सेक्शन निकालना है या फिर सी सेक्शन निकालना है, इसे हम सी सेक्शन भी बोलते हैं, रेडियल पार्टिंग भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नीचे वाले हेयर में अच्छे से कॉम करना है, नीट करना है, स्प्रे यूज़ कर लेना है। एंड आपको क्या करना है, रबर की मदद से टाई कर देना है इसको, थोड़ा सा ना साइड होता है ना पोनी कीजिएगा, मतलब एक्यूरेट बीच में नहीं होना चाहिए। अच्छे से कर लेने के बाद आपको बॉबी पिन यहाँ पर टक कर देना है, डन। नेक्स्ट आपको एक छोटा छोटा पोर्शन निकालना है इस तरह से एंड आपको इस तरह से बैक कॉम्बिंग करना है अच्छे से एंड आपको स्प्रे करना है एंड उसको रहने देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टीका फिक्स करेंगे। तो मैंने ये जो बैक कॉम्बिंग किया है ना, ये इसलिए किया था कि मैं टीका ना अच्छे से सेट हो जाए, ग्रिप आए। तो इस तरह से पहले मैं मिडिल पार्टीशन यहाँ पर भी कर रही हूँ एंड टीके के जो बैक वाले पोर्शन होता है ना, वहाँ पर मैं क्या करती हूँ, थ्रेड लगा देती हूँ ब्लैक कलर का, इससे ग्रिप आता है टीके में बहुत अच्छा। तो मिडिल पार्टीशन करके सबसे पहले आपको इस तरह से टीका फिक्स कर देना है। ऐसे मैंने आपसे एक शॉर्ट्स वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप भूल जाते हो टीका फिक्स करना तो आप किस तरह से करोगे, तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो को चेक किया करो। आजकल मैं रेगुलर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बहुत ही हेल्पफुल रहता है जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए। तो इस तरह से हम बॉबी पिन को यहाँ पर टक कर देंगे। नेक्स्ट अब हमें पफ की तैयारी करनी है, तो हमें छोटा छोटा पोर्शन लेना है इस तरह से एंड हमें इसमें करना है बैक कॉम्बिंग अच्छे से एंड स्प्रे करना है। स्प्रे के लिए मैं स्कॉच कॉफ टाफ्ट का यूज़ करती हूँ जैसा कि आपको पता है। तो अच्छे से एक एक पोर्शन निकालिए, अच्छे से बैक कॉम्बिंग कीजिए एंड आपको क्या करना है, स्प्रे करते जाना है। तो मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलूँगी कि आप जो बैक कॉम्बिंग करते हो ना, वो बहुत ध्यान से देखिएगा मेरी वीडियोज़ को कि मैं बैक कॉम्बिंग कैसे कर रही हूँ। बहुत लोग गलत तरीके से बैक कॉम्बिंग करती है, ये नहीं करना है आपको। एकदम स्ट्रेट रखना है हेयर को ऊपर की ओर एंड इस तरह से बैक फोर्थ मूवमेंट में कॉम को चलाना है। एंड आप देख सकते हो बैक कॉम्बिंग अच्छे से हो जाने के बाद आपको एक बार क्लीन करना है, नीट करना है। इस तरह की कॉम ना आपको अमेजोन पर ईजीली मिल जाएगी, बहुत अच्छा रहता है, मतलब फ्रिजनेस सारी गायब हो जाती है। अच्छे से करने के बाद मैं टाफ्ट का पहले यूज़ करूँगी हार्ड स्प्रे, इसे हम हार्ड स्प्रे बोलेंगे या सेटिंग स्प्रे, एंड फिर हम यूज़ करेंगे एक साइन स्प्रे जो कि ओसिस का है, ओसिस प्लस का। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, यूपी नबी इस तरह से लगाऊंगी, आप देखो ध्यान से। एंड हम क्या करेंगे, हल्का सा लाइंस क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, ज़्यादा लाइंस मुझे नहीं बनाना, एकदम डिफाइन वाला, बस मुझे ना एक ऐसा लुक देना था पीछे से जो कि अच्छा लगे, फोटोज़ में अच्छा लगे। तो इस तरह से पुलिंग टेक्निक की मेथड से आपको लाइंस क्रिएट करना है, बस पुल करना है हल्का हल्का, जी हाँ एकदम हल्का हल्का। इसमें आपको यूपिन लगाते जाना है एंड देन हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे स्प्रे की मदद से एंड फिर पीछे वाला यूपिन को हम रिमूव करेंगे एंड देन उसमें हम क्या करेंगे, बॉबी पिन को टक कर देंगे। तो अच्छे से यहाँ पे हमें बॉबी पिन लगा देना है, आप देख सकते हो मैं बॉबी पिन यहाँ पे लगा रही हूँ, क्रिस क्रॉस करके आपको बॉबी पिन लगाना है, डन डन डन। फ्रंट में आते हैं, साइड पार्टीशन सबसे पहले करना है आप लोगों को इस तरह से। आपको अगर कर्ल्स के लिए हेयर छोड़ने हैं ना, तो नीचे से एक हेयर को पहले ही छोड़ दीजिएगा इस तरह से, डन। इस तरह से मैंने छोड़ दी एंड मैं बॉबी पिन या फिर होता है ना सेक्शन क्लिप लगा के रख दूँगी।
लेकिन मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी यार। एंड मैं अब क्या करूँगी, तिरछा तिरछा सेक्शन लूँगी इस तरह से वी शेप में, अच्छे से बैक कॉमिंग करूँगी, मतलब हैवी वाला बैक कॉमिंग, आप समझ रहे हो, हैवी वाला बैक कॉमिंग मैं कर रही हूँ। मुझे फ्रंट में अच्छा खासा वो चाहिए था, वॉल्यूम चाहिए था, तो मैं क्या कर रही हूँ, एकदम अच्छे से पहले नीट कर रही हूँ स्प्रे की मदद से फ्रिजीनेस गायब करने के लिए। एंड मैं क्या कर रही हूँ, अब अच्छे से बैक कॉमिंग कर रही हूँ, मतलब बहुत अच्छे से मैंने बैक कॉमिंग किया है, क्योंकि मैंने क्या बोला आप लोगों को, मुझे वॉल्यूम चाहिए था। अगर आपको कम वॉल्यूम चाहिए तो आप कम करो, क्लाइंट से पूछ लोगे रिक्वायरमेंट, जैसे होता है ना क्लाइंट से भी पूछ लोगे ना कि मैम आपको फ्रंट में कैसा वॉल्यूम चाहिए, तो वो बता देंगे आपको, तो ये भी एक सही तरीका है। आप क्लाइंट से पूछोगे सबसे बेस्ट रहता है, क्लाइंट से पूछ के बनाओगे तो बाद में दिक्कत भी नहीं आएगी। सो बस इस तरह से आप देख सकते हो मैं नीट करती जा रही हूँ एंड बैक कॉमिंग करती जा रही हूँ। मैंने बैक कॉमिंग ऐसा किया है जो कि नज़र नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो। तो डन, अब हमें क्या करना है, आप देख सकते हो कितना अच्छा मतलब वॉल्यूम आया है, जबकि इनके हेयर बहुत पतले थे, बहुत ज़्यादा पतले थे, तो भी बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है। इसी तरह से आपको करना है, आपको हेयर स्टाइल बनाने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, टूल चाहिए, कर्लर चाहिए, फिर कॉम चाहिए पतली वाली, स्प्रे चाहिए, एक साइन स्प्रे, एक सेटिंग स्प्रे, मतलब हेयर को सेट करने के लिए अच्छे से नीट कर दिए। फ्रिजीनेस पूरी की पूरी गायब करनी है, हल्का हेयर को ट्विस्ट करके मैंने सेक्शन क्लिप को लगा दिया। अब मैं क्या करूँगी, ध्यान से देखिए, इस तरह से हल्का हल्का लाइंस क्रिएट करूँगी। मैं ना आज क्या बोली, बहुत कम लाइंस में बना रही हूँ, मुझे ज़्यादा लाइंस नहीं देना था, बस हल्का हल्का मैं कर रही हूँ। मैंने ना सोचा ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, बिगनर्स तो वैसे भी लाइंस बनाना नहीं जानते हैं, तो हल्का हल्का भी करोगे ना सेकेंड फिंगर एंड थम फिंगर की मदद से पुल, तो बहुत अच्छे से हेयर नज़र आते हैं, आप देख सकते हो। सो इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है, स्प्रे कर देना है एक बार स्ट्रॉन्ग वाला, ताकि जो लाइंस आपने बनाई है ना वो और अच्छे से नज़र आए। यूपिन हमने क्यों लगाया, यूपिन हमने इसलिए लगाया ताकि वो ना अच्छे से दिखाई दे, सेट हो जाए। उसके बाद यूपिन को रिमूव कर देने के बाद मैंने फिंगर की मदद से अच्छे से नीट किया लाइंस को, इस तरह से देखो स्प्रे करते जा रही हूँ एंड नीट करते जा रही हूँ। मैंने क्या बोला, मुझे ज़्यादा लाइंस नहीं देनी थी, अगर आपको इनकेस ज़्यादा देना है तो आप पतला पतला दे सकते हो। देखो कितना अच्छा लग रहा है, इतने में ही मुझे अच्छा लग रहा था। अब हम इधर आते हैं, तो इधर भी सेम जो हेयर हमने छोड़ा है, फ्रंट के लिए मैंने फ्लिक्स छोड़ दिए, कर्ल्स मुझे करने थे, बैक कॉमिंग अच्छे से कर रही हूँ एंड मैं हल्का सा लाइंस क्रिएट करूँगी। तो इस तरह के कॉम इजीली आपको मिल जाएगी अमेजोन पे, इसकी मदद से मैं यहाँ पे लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। फिंगर की मदद से भी आप कर सकते हो एंड इसको आप क्या करोगे, मर्ज कर दोगे बैक पफ के साथ एंड इसको टाई कर दोगे अच्छे से। हमारा फ्रंट वेरिएशन भी बन चुका है, डन है। अब बैक में आते हैं, फिर से आपको इस तरह से थोड़ा सा साइड छोटी करना है, तीन छोटी आपको इजीली मिल जाएगा इस तरह का हेयर एक्सटेंशन अमेजोन पे, ये लगाना है सबसे ऊपर में। एंड आपको क्या करना है, जो छोटी आपने बनाया ना उसके बीचों बीच इस तरह से रोल करते जाना है। बहुत ही इजी वाला हेयर स्टाइल है गाइस, बहुत ही इजी, देखने में भले ही टफ लगता होगा बट सच में ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप आराम से घर पर कर सकते हो। सो इस तरह से मैंने क्या सोचा कि मैं लंबा नहीं छोड़ती हूँ, आज मैंने क्या किया, रोल कर दिया, मतलब डबल फोल्ड होता है ना, मैंने वो किया है, आप देख सकते हो, इससे और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो आप ये भी कर सकते हो। सो गाइज, इनकी मेकअप की वीडियो अगर आपको देखनी है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एंड गाइज, आप मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए, अगर आप पहली बार आए होंगे तो मैं मेकअप रिलेटेड, हेयर स्टाइल रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आपको मेरे चैनल पर डे कुछ यूज़फुल वीडियो मिलेगी देखने को, ऐसा एक भी वीडियो नहीं है जिसमें मैं बकवास करती हूँ, मैं हर किसी वीडियो में नॉलेज देती हूँ, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट आप लास्ट में इस तरह से एक्सेसरीज लगा दोगे, आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कैसे एक्सेसरीज है, तो इस तरह से मैंने लगा दिया है, डन। नेक्स्ट में यहाँ पे छपका बोलते हैं ना इसे, या पासा भी बोलो बोलते हैं, तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से एंड थ्रेड लगा दिया था मैंने लंबा सा, ताकि वो अच्छे से टाई हो जाए, ग्रिप भी आ जाए। सो हियर इज़ अ फाइनल लुक गाइज, मैंने आई मेकअप बहुत डिफरेंट किया था, ये वीडियो अगर देखना चाहते हो कमेंट कीजिएगा एंड कितने मिनट की आपको देखनी है, लंबी वीडियो डिटेल में बताऊँ या फिर शॉर्ट वीडियो बताऊँ, कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस हिसाब से वीडियो एडिट करने बैठूंगी। तो ये वीडियो पसंद आया अगर इतनी दूर देखने के बाद, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, बाय एंड टेक केयर।